वंदे मातरम टू ऑल। एग्जाम्पल नंबर 4 से हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस। अ मिनी हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 मीटर लॉन्ग। तो मतलब ये जो मिनी हैंड है दैट इज 1.5 मीटर लॉन्ग। सो यू कैन सी इट इज आर। अब व्हाट इज नेक्स्ट, हाउ डज इट टिप, मतलब ये जो मूव करेगा वो कितना मूव करेगा। सपोज यहाँ पे 12 o'clock पे स्टार्ट करेगा आफ्टर 40 minutes, ये 12 यहाँ पे 40 minutes पे आएगा, तो ये जो है हमें ये काउंट करना है तभी मुझे ये टोटल लेंथ मिलेगी। दिस इज योर एल, यू वॉन्ट टू फाइंड। हमें फाइंड क्या करना है, एल। टाइम क्या गिवन है, टाइम के लिए मुझे थीटा के लिए गिवन है 40 minutes गाइस। अब इसका हम यूज करेंगे, पहले तो मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा 40 मिनट्स यानी क्या। तो मैं कन्वर्ट कर दूं 40/60 डिग्री में। कन्वर्ट करने के लिए क्या, 1 degree = 60 minutes है ना। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, मिनट है, तो मैं 60 से डिवाइड करूंगी दैट इट कन्वर्ट्स इन डिग्री। ये किस में कन्वर्ट होगा, डिग्री में गाइस, 2/3। ये क्या होगा, डिग्री में कन्वर्ट होगा 2/3। अब मुझे थीटा चाहिए इन रेडियन, आई वांट थीटा इन रेडियन। तो अब जो मिनट हैंड है वो कितना डिग्री मूव कर रहा है, 60 मिनट कंप्लीट करेगा देन इट कंप्लीट्स 360 डिग्री। ओके, जब पूरा एक चक्कर लगाएगा तब वो कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, 1। तो अभी मेरे पास 2/3 है, अगर मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है आई कैन सिंपली कन्वर्ट इन 2/, क्यों, क्योंकि मैंने 60 को कन्वर्ट कर दिया ना। फिर से सुनिए, इन 60 मिनट द मिनट हैंड ऑफ वॉच कंप्लीट्स इट्स 1 revolution। कितनी मिनट में, 60 मिनट में कन्वर्ट करेगा। पहले तो मैंने 40 मिनट को कन्वर्ट कर दिया, क्या हो जाएगा मेरा, 2/3 minutes हो जाएगा। 2/3 minutes, 1 minute कब कंप्लीट होता है, जब पूरा सर्कल कंप्लीट हो, ठीक है। ऐसी कितनी मिनट्स पास हुई, ये मेरी मिनट कन्वर्ट हो गई। अब मेरी 1 minute पास नहीं हुई, मेरी कितनी मिनट पास हो गई, 40 minutes। तो कितनी टाइम्स उसने 2/ कर लिया, 40 times, तो that's why I multiply 2/3 with 2/, समझ में आया। क्यों 2/ से multiply किया, you can multiply with 360 also। कितनी बार revolution होगा, 40 minutes है तो 40 times revolution होगा, 40 minutes है तो is equal to 40 times revolution, है ना। तो हर एक रिवॉल्यूशन के लिए 360 डिग्री, और वी वांट थीटा इन रेडियन, सो दैट्स व्हाई वी मल्टीप्लाई विद 2/। ओके गाइस, मल्टीप्लाई क्यों किया 2/ से, बिकॉज 40 टाइम रिवॉल्यूशन हो रहा है। सबको समझ में आया, यस मैम, सबको समझ में आया ना। ओके, सो दिस इज योर 4/3। अब we have a result, r l equal to r theta, just multiply them। यहाँ पे मैं 15/10 लिख लेती हूँ, this is 4/3। okay, ये हो जाएगा आपका cut, यहाँ पे होगा 3/5 and यहाँ 2, this is cut with this and this cut with this, so basically your l is equal to 2/। अब this is a length, so length can't be in pi, so we have to multiply with 3.14 given हो, या फिर हाँ 3.14 given है, या फिर 22/7 given हो तो वो put कर दो। What is your answer, 6.28 meter, yes it is meter, meter है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी meter आएगा, centimeter है, sorry guys, यहाँ पे centimeter है तो यहाँ पे भी centimeter आएगा। I thought it is a big watch, like a wall clock. Okay, done?
एवरीवन, इज इट क्लियर? यस मैम। ओके चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने एक चीज बताई थी कि आपका जो आइडेंटिटी है जिससे हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ प्रूफ। सपोज दिस इज माय यूनिट सर्कल, ओके देखना, ये मेरा कोई एक ट्रिगोनोमेट्रिक पॉइंट है। लास्ट टाइम भी मैंने इसको नेम दिया था, हम बोले कि उसको पी थीटा, जहाँ पे वैल्यू होंगी आपकी फर्स्ट वन इज कॉस थीटा एंड सेकंड वन इज साइन थीटा। अभी मैं उसको एज्यूम कर रही हूँ एक्स एंड वाई। सो अगर मैं इसको यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, इफ आई एम ड्रॉइंग अ परपेंडिकुलर लाइन हियर, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? देखिए, ये आपका हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट and this is your x coordinate, this one is your y coordinate and this one is your x coordinate. So what is your r? If I am using Pythagoras, so my r is, suppose this is o a b, so मुझे a b find करना है, so a b o b square find करना है, so o b square is equal to o a square plus a b square. So that is x square plus y square. अब मुझे चाहिए OB. So that is root x square plus y square. But guys, this is our unit circle. Unit मतलब radius must be 1. So I can compare this one with, I can compare this one with equal to 1. So क्या मिला मुझे? देखना हाँ, यहाँ पे स्पेस नहीं है, सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर ओ पी इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब मैं अगर स्क्वायर रूट निकाल दूँ 1 फ्रॉम बोथ साइड, सो आई हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। व्हाट आई हैव? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा and y is equal to sin theta. So basically I have the identity cos square theta plus sin square theta equal to 1. ये बहुत interesting identity है. It is something like our relation. आपके जो मम्मी पापा का relation है ना, वैसा कोई relation है इन दोनों के बीच में. क्या करते हैं दोनों? बैलेंस करते हैं 1 को, बैलेंस करते हैं 1 को. समटाइम्स इट हैपेंस के जो पापा है ना, वो ड्यूटी पे बहुत बिजी रहते हैं, तो मम्मी बैलेंस करती है सोशल लाइफ को. ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है कि मम्मी को घर पे कुछ काम है, सपोज आपकी एग्जाम है, सो मम्मा कांट गो टू समवेयर, किसी की शादी है या फिर कुछ भी कोई ओकेजन है, सो मम्मा कांट गो, देन पापा के, पापा ने क्या बोल दिया, फॉर टुडे आई विल मैनेज. तो दोनों क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं 1 को. एक अगर घटेगा तो दूसरा अपने आप इंक्रीज हो जाएगा. आप कोई भी पॉइंट ले लो ऑन दिस सर्कल, एनी पॉइंट यू कैन टेक, बोथ आर बैलेंसिंग नॉट ऑन दिस सर्कल बट थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए. All theta belongs to R. They are managing so well. किसको मैनेज कर रहे हैं? 1 को. This is you. 1 means you. आपको भी बैलेंस कर रहे हैं एंड अपनी वैल्यूज को भी बैलेंस कर रहे हैं. ठीक है, सो जैसे डिक्रीज होगा आप देख लो वैल्यूज. समटाइम्स दोनों इक्वल हो गए. कब इक्वल हुए? सिर्फ पाई बाय 4 पे इक्वल होंगे, 1/√2, 1/√2. ठीक है, सो मतलब पाई बाय 4 के जितने भी मल्टीपल्स है सब पे इक्वल होंगे, बोथ 1/√2, 1/√2, बाकी हर जगह पे बैलेंस करेंगे. एक घटेगा, डिक्रीज होगा, तो दूसरा अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि
दे हैव टू बैलेंस दिस वन। अब सिंपल एक चीज करनी है, इस इक्वेशन को अगर मैं कॉस से डिवाइड कर दूं, कॉस स्क्वायर से, तो क्या होगा, आई विल गेट द सेकेंड आइडेंटिटी। एक दिखा रही हूं, दूसरा मैं डायरेक्ट लिखूंगी। सो कॉस स्क्वायर विल बी कट, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, दैट इज योर अनदर आइडेंटिटी वी गेटिंग फ्रॉम दिस ओनली। एंड लास्ट वन इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, दैट इज कॉसेक स्क्वायर थीटा। सो दिस आर योर थ्री आइडेंटिटीज, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, बिल्कुल भूलना नहीं है। ओके चलिए, सो दिस इज योर फंक्शन। यहाँ पे सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, यहाँ पे आपकी वैल्यूज आएंगी, देखिए 0, पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई बाय 2। अब मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्टॉप नहीं होना है, तो मैं आगे बढ़ रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पे 0 था, यहाँ से मैं आगे बढ़ी तो यहाँ पे हो गया पाई बाय 2, दिस इज पाई, 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई। तो यहां तक की वैल्यू पे मैं जा रही हूँ। पाई बाई 2 से 180 मतलब पाई, 270 मतलब 3 पाई बाई 2 एंड लास्ट वन इज 2 पाई। ठीक है, आगे जाके मुझे ग्राफ ड्रॉ करने हैं इस फंक्शन के, क्योंकि एक बार ग्राफ ड्रॉ कर लिया ना तो समझो कि सारा बिहेवियर हम ग्राफ पे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। गाइस, मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि मैम डोमेन और रेंज फाइंड करना नहीं आता। बेटा डोमेन एंड रेंज, डोमेन में सिर्फ आपको इतना सोचना है कि एक्स की कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, बस इतना समझ लो। क्योंकि जैसे जैसे फंक्शन चेंज होंगे ना, वैसे वैसे आपका डोमेन एंड रेंज फाइंड करने की मेथड चेंज होगी। हर बार वो एक मेथड से फाइंड नहीं होते। सपोज मॉड्यूलस है, रूट है, तो आपको एज्यूम कर लेना है दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, सो हर एक बार डोमेन एंड रेंज फाइंड करने की मेथड्स चेंज होती है, इट इज नॉट सेम फॉर ऑल फंक्शन। जैसे जैसे फंक्शन चेंज होंगे, वैसे वैसे वो मेथड भी डिफरेंट हो। ठीक है, सो मैं कोई एक पर्टिकुलर आपको मेथड नहीं बोल सकती कि हाँ बस आप ये स्टेप फॉलो कर लो और आप डोमेन फाइंड कर दोगे। ठीक है, सो उसके लिए सिर्फ हमें चाहिए प्रैक्टिसिंग। अब आते हैं फंक्शन पे, साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कॉसेक। ओके, आप उल्टा भी लिख सकते हो, कॉसेक पहले सेक बाद में चलेगा। साइन के लिए साइन 0 0, देखिए 0 से बढ़ के थोड़ा सा बढ़ेगा एंड 1/2 होगा, 1/2 से फिर 1/√2, देन आफ्टर √3/2 एंड देन आफ्टर 1। देखिए धीरे धीरे क्या हुआ, 0 से 1 की ओर गया, फिर पाई पे जैसे पहुंचा ना तो फिर से रूट गया और 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो दो पॉइंट्स होते हैं ना, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, वहाँ पे वो 0 हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है। जैसे ही 3π/2 पे मतलब नीचे के पॉइंट पे जाएगा, वो हो जाएगा -1। अभी मैं आपको ग्राफ दिखाऊंगी, डोंट वरी। एंड 2π पे अगेन इट इज 0, एट 2π इट इज अगेन 0। cos के लिए क्या होगा, cos के लिए cos 0 1, π/6 आपको पता है इसका उल्टा लिखते हैं, 3√3/2 मतलब cos क्या कर रहा है। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि sin और cos बैलेंस कर रहे हैं, एक डाउन होगा सो दूसरा बढ़ेगा। एक जैसे ही डाउन होगा, देखिए ये वाला इंक्रीज हो रहा है ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा, उसको डिक्रीज करना पड़ेगा, 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। अब जैसे ही कॉस पाई पे आएगा ना, इट इज -1,
3 पाई बाई 2 पे वो फिर से 0 हो जाएगा। कॉस को प्रॉब्लम है पाई बाई 2 से, साइन को प्रॉब्लम है पाई से। कॉस को किससे प्रॉब्लम है? पाई बाई 2 से। जैसे ही पाई बाई 2 के मल्टीपल्स आए ना, देखिए पाई बाई 2 पे 0 हो गया, 3 पाई बाई 2 पे, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, सब जगह पे 0 होगा, ठीक है। सो कॉस को किससे प्रॉब्लम है? पाई बाई 2 से। साइन को किससे प्रॉब्लम है? 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, मतलब उसको पाई के मल्टीपल से प्रॉब्लम है। ओके, यहाँ पे 2 पाई पे फिर से वो हैप्पी 1। ये सब मैं दिखाऊंगी कैसे वैल्यूज आई, जैसे ही हम ग्राफ स्टार्ट करेंगे आपको सब क्लियर हो जाए। ओके चलिए, टेन के लिए अब क्या करेंगे, टेन इज इक्वल टू साइन पाई कॉस, टेन इक्वल टू साइन पाई कॉस, तो ये हो जाएगा 0। करो डिवाइड, इन दोनों को करो डिवाइड, 1 बाई रूट 3, ये तो सेम है तो 1 हो गया, दिस इज रूट 3, 1 बाई 0, 1 बाई 0 गाइज इंफिनिटी, मैंने आपको बोला था इंफिनिटी लिखो, क्या लिखेंगे, 1 बाई 0, नॉट डिफाइन नहीं लिखना है, अब आपको इंफिनिटी लिखना है। 0 बाई माइनस 1, तो दैट इज 0, माइनस 1 बाई 0, देखिए ये 1 बाई 0 था तो इंफिनिटी लिखा, ये माइनस 1 बाई 0 है, मतलब नेगेटिव वैल्यूज है, बीच में के इन दोनों के बीच में जो वैल्यूज आएंगी ना सारी नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, तो मैं क्या करूंगी, माइनस इंफिनिटी लिखूंगी, दिस इज 0 बाई 1, अगेन 0। ओके चलिए कॉट पे आते हैं, सी बाई एस, अब इसका रेसिप्रोकल कर दो या फिर यहाँ से उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो। इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1 बाई 0, दैट इज इंफिनिटी, इसका उल्टा दैट इज रूट 3, हियर बोथ आर सेम, यहाँ पे होगा 1 बाई रूट 3 एंड हियर इट इज 0। चलिए पाई पे क्या होगा, देखिए फिर से उल्टा, माइनस 1 बाई 0, सो दैट इज माइनस इंफिनिटी, यहाँ पे 0 बाई माइनस 1, 0 बाई एनीथिंग 0, एंड 1 बाई 0 दैट इज इंफिनिटी। ओके चलिए सेक के लिए कॉस का उल्टा रेसिप्रोकल, 1 बाई 1 दैट इज 1, 2 बाई रूट 3 रूट 2, 2, 0 बाई 1 उसका उल्टा 1 बाई 0 दैट इज इंफिनिटी, माइनस 1 बाई 1 माइनस 1, अगेन 1 बाई 0 इंफिनिटी, एंड हियर इट इज 1, 1 बाई 1 दैट इज 1। अब मैं एक चीज मार्क की, देखिए यहाँ पे कहीं पे भी 0 नहीं आया, कहीं पे भी sec में 0 नहीं है, मतलब sec never be a 0, sec की वैल्यू आपको कोई भी ले लो 0 कभी भी नहीं मिलेगी। ओके cosec में क्या होगा, cosec में फिर से होगा उल्टा, देखिए इसका रेसिप्रोकल ले लो 0 बाई 1, सो 1 बाई 0 दैट इज इंफिनिटी, 2 रूट 2, 2 बाई रूट 3, 1 बाई 1 दैट इज 1, 0 बाई 1 उसका उल्टा 1 बाई 0, सो दैट इज इंफिनिटी, माइनस 1 बाई 1 सो दैट इज माइनस 1, एंड अगेन 0 बाई 1 सो इंफिनिटी। ओके सो ये हो गया आपका टेबल कंप्लीट, यहां तक आपको पता था, ठीक है। मैंने ये वैल्यूज क्यों ऐड की, बिकॉज हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ्स, वी आर गोइंग टू ड्रॉ ग्राफ्स, मैं मेन तीन फंक्शन के ग्राफ ड्रॉ करूंगी, बाकी के मैं आपको सिर्फ आइडिया दे दूंगी, ठीक है। टेक्स्ट बुक में ग्राफ ड्रॉ किए हुए हैं, मेन ये तीन सीख जाओ ना आप तो बस हो गया आपका काम। ओके सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अ ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन। ओके नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अ ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन, ठीक है। साइन फंक्शन का ग्राफ कैसे होगा ड्रॉ वो सीखने जाते हैं। चलिए तो वो सीखने से पहले लेट्स डू सम एक्सरसाइज। चलिए आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ टेक्स्ट बुक, मैं वही ऑर्डर फॉलो करूंगी जिससे आपको समझने में इजी रहे। सो नाउ आई एम गोइंग टूवर्ड्स द ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन। साइन फंक्शन मतलब आपको फंक्शन लिखना है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। गाइज अभी मुझे कुछ भी पता नहीं है व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज रेंज,
वो किस पे से डिसाइड करेंगे, ग्राफ पे से डिसाइड करेंगे, जैसे सेकंड चैप्टर में हम ग्राफ ड्रॉ करते थे, देन आफ्टर वी डिसाइड व्हाट इज द डोमेन एंड ग्राफ सॉरी रेंज. सो दिस इज द वे हाउ यू कैन से डोमेन एंड रेंज. लेकिन हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, ठीक है. सपोज रैशनल फंक्शन है तो हर बार मैं ग्राफ ड्रॉ करने नहीं बैठ सकती. वी कैन डू द ग्राफ, लेकिन बहुत समटाइम्स इट इज इजी, समटाइम्स इट इज नॉट दैट मच इजी. चलिए तो स्टार्ट करते हैं ग्राफ ऑफ साइन एक्स. देखिए वैल्यूज मेरे पास है यहाँ पे. ये फर्स्ट वन जो है ना, दिस इज योर एक्स एंड दिस इज योर वाई. देखिए एक्स मतलब क्या होगा, जीरो पाई बाय सिक्स, पाई बाय टू. देखिए अब मैं ये सारी वैल्यूज तो डिटेल में नहीं लेने वाली हूँ, मैं मेन वैल्यूज कौन सी लूंगी, जीरो पाई बाय टू, देन पाई, पाई से थ्री पाई बाय टू, एंड देन आफ्टर टू पाई. जो मेन चार पॉइंट है ना, कौन से वाले, ए बी ए डैश एंड बी डैश. वाई, वाई मतलब क्या, दिस इज वाई इक्वल टू साइन एक्स. तो साइन एक्स की वैल्यू क्या है, देखिए जीरो वन बाई टू, वन बाई रूट टू, रूट थ्री बाई टू, सॉरी मैं मिस कर दिया, पाई बाई थ्री. ओके यहाँ पे पाई बाई थ्री, दिस इज पाई बाई टू, जीरो पाई एंड थ्री पाई बाई टू, एंड लास्ट वन इज टू पाई. चलिए सो पाई बाई थ्री पे हो जाएगा रूट थ्री बाई टू, यहाँ पे वन, यहाँ पे क्या लिख रही हूँ मैं, यहाँ पे क्यों जीरो लिखा, दिस इज पाई, दिस इज थ्री पाई बाई टू एंड दिस इज टू पाई. ओके साइन पाई पे क्या होगा, अगेन जीरो, थ्री पाई बाई टू पे माइनस वन एंड टू पाई पे जीरो. देखिए अब आई एम गोइंग टू स्टार्ट टू ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ साइन एक्स. चलिए देखिए अभी तो मैंने बहुत लिमिटेड वैल्यूज लिखी है. सपोज हियर इट इज वन एंड इट इज, देखिए ऑब्जर्व करते हैं वैल्यूज को, जीरो है, वन बाई टू, वन बाई रूट टू, रूट थ्री बाई टू. ओके दिस ऑल वैल्यूज लाई बिटवीन जीरो टू वन, ठीक है. तो यहाँ पे मैंने जीरो टू वन ड्रॉ किया, अब फिर से जीरो हो रहा है, फिर से माइनस वन हो रहा है, सो आई नीड नेगेटिव वैल्यू ऑफ वाई ऑल्सो, ठीक है. चलिए यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं साइन का ग्राफ हाउ टू ड्रॉ. तो जब भी साइन का ग्राफ ड्रॉ करने स्टार्टिंग करें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस, एट जीरो साइन इज जीरो, एट जीरो साइन इज जीरो, एट पाई बाई टू साइन इज वन. देखिए जीरो पे साइन जीरो है, पाई बाई टू पे क्या हो गया, यहाँ पे पाई बाई टू पे आपका ग्राफ इट टच एट वन. फिर से पाई पे क्या होगा, जीरो. देखिए दिस इज योर वैल्यू पाई. अब फिर से क्या हो रहा है, थ्री पाई बाई टू, इट इज मूविंग डाउनवर्ड्स. अब क्या कर रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे गया, नीचे माइनस वन पे टच किया, माइनस वन पे टच किया, ये कौन सा पॉइंट है, थ्री पाई बाई टू, अगेन इट गोइंग अपवर्ड एंड दिस पॉइंट इज योर टू पाई. अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं सो इट इज कंटिन्यू लाइक दिस गाइस. यस ये शेप जो है ना वो रिपीट होता रहेगा, होता रहेगा, कहीं पे भी स्टॉप नहीं होगा, इट इज लाइक अ वेव, ठीक है. अब यहाँ पे सोचो थोड़ा सा, तो यहाँ पे भी मैं ऐसे ही कंटिन्यू कर सकती हूँ, आई कैन डेफिनेटली continue this graph towards negative direction also. Okay? ये हो जाएगा. माइनस वन कहाँ पे आएगा, जैसे पाई बाई टू पे वन आया ना, वैसे माइनस पाई बाई टू पे माइनस वन आएगा, फिर माइनस पाई पे फिर से जीरो, माइनस थ्री पाई बाई टू पे वन आएगा. देखिए मैंने कल आपको बताया था कि ऊपर आपका पाई बाई टू है ना, तो अगर आप नेगेटिव डायरेक्शन में जाओगे तो ऊपर 3 पाई बाई 2 आएगा, तो वहां पे वैल्यू क्या होती है, आपका पॉइंट बी
यानी वैल्यू होगी 1। देखिए चलिए फिर से एक बार दिखा देती हूँ। पॉइंट्स में ड्रॉ कर रही हूँ गाइस, नीचे का सबको दिख रहा है ना, अगर नहीं दिखे तो ही बोलना। ए दिस इज 10, बी दिस इज 01, ए डैश दिस इज -10 एंड बी डैश 0-1। ओके तो यहाँ पे है 0, दिस इज π/2, दिस इज π, दिस इज 3π/2। ओके गाइज आई एम गोइंग टू राइट दिस 1000 ऑफ टाइम्स इन दिस चैप्टर। चलिए ये हो गई मेरी पॉजिटिव डायरेक्शन, मैंने ऐसे मूव फॉरवर्ड किया, ठीक है। सपोज मैं नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही हूँ तो क्या होगा, 0 पे से मैं नेगेटिव में गई तो मतलब -π/2, ये हो गया -π एंड दिस इज गाइज -3π/2। देखिए तो साइन की वैल्यू क्या है -3π/2 पे, 1 है। -π/2 की वैल्यू क्या है, देखिए -1 आया आपका -1। पाई पे क्या हो रहा है, 0। मैं सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट देखूंगी बिकॉज वाई कोऑर्डिनेट इक्वल टू साइन थीटा। ओके तो -π पे क्या आया, 0 है। सबको क्लियर दिख रहा है, अभी मैं इसको कंटिन्यू करूंगी तो यहीं पे -2π आएगा। देखिए फिर से वाई कोऑर्डिनेट क्या हुआ, दैट इज 0। तो अगर मैं इसको ऐसे करूं सो दिस इज 2π और ये ग्राफ ऐसे ही कंटिन्यू करेगा। ओके यहाँ पे एकदम शार्प कर्व आएगा, दिस इज परफेक्ट। ओके चलिए मैंने जैसे बताया आपको कि ये वैल्यूज यहीं पे कहीं पे होंगी, -π/6 तो 1/2 यहीं पे कहीं पे होगा, 1/√2, π/3 एंड दिस इज योर π/2। सो दिस इज द परफेक्ट ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन x। कौन सा ग्राफ है आपका, y इक्वल टू साइन x। सबको समझ में आया? Yes, ma'am. ओके अब डिसाइड करना है, अब ये नीचे वाला सर्कल मैं निकाल दूं। चलिए अब मुझे थोड़ी बहुत चीजें इस पे से ऑब्जर्व करनी है, ठीक है तो ऑब्जर्व करते हैं। चलिए पहले तो डोमेन, डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू। तो सोचिए यही यहाँ पे अगर मैं ग्राफ कंटिन्यू दोनों साइड में कर सकती हूँ तो ग्राफ कहीं पे भी ब्रेक होगा, कहीं पे भी ब्रेक होगा। नो अगर ब्रेक होना होता तो यहीं पे हो जाता, क्योंकि वो तो क्या कर रहा है, राउंड एंड राउंड रिवॉल्यूशन कर रहा है। ओके रोटेशन ही करे जा रहा है, तो अगर ब्रेक होना होता तो यहीं पे हो जाता, वो ऑब्जर्वेशन मुझे यहीं पे दिखता 0 to 2π में। तो मतलब इट इज नॉट गोइंग टू ब्रेक एनीवेयर। सो फर्स्ट थिंग, योर डोमेन इज होल R, डोमेन इज इक्वल टू R, क्या होगा डोमेन R होगा। चलिए अब रेंज किसको दिख रही है, यहाँ पे रेंज मतलब y की वैल्यू, रेंज मतलब आपका आंसर। सिर्फ बोलिए आंसर किन दो वैल्यूज के बीच, -1, 0, 1। नो बेटा, क्यों, 1/2, 1/√2। देखिए मैं जब If I am talking about R ना, so ये सारी values possible है guys। देखिए मैंने लिखा नहीं, लेकिन 0.01 भी है यहाँ पे, 0.5 भी है। मैं radian में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि values हमारी radian में है। लेकिन अगर दिन में जाओ तो yes, देखिए बहुत clear मैंने second chapter में ही किया है आपको कि अगर मिडल की वैल्यूज नहीं आएगी तो आई कैन नॉट ड्रॉ कंटिन्यू लाइन। अगर मिडल की वैल्यूज नहीं है तो मुझे सिर्फ पॉइंट्स दिखाने, याद है आपको ऐसे पॉइंट्स दिखाए थे, याद है आपको। अगर कंटिन्यू लाइन ड्रॉ कर रहे हैं मतलब मिडल के सारे पॉइंट पॉसिबल है, तो वैल्यूज कहाँ पे आ रही है, देखिए
माइनस वन पे भी आंसर है, वन पे भी आंसर है, एंड बिटवीन की भी सारी वैल्यूज लाई करेंगी. सो योर रेंज इज माइनस वन टू वन. ठीक है, रेंज क्या होगी, देखिए जीरो से स्टार्ट हो रहा है. आपको याद क्या रखना है, साइन का सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करने को कोई बोले ना तो विद इन अ हाफ मिनट साइन का ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा. कैसे, बस इतना याद रखना है कि साइन जीरो जीरो. देखिए साइन जीरो जीरो, यहां से जीरो से स्टार्ट हो गया, ये हो गया आपका ग्राफ, दैट्स इट, फिनिश. अब पॉइंट्स लगाओ, ये पाई बाय टू, ये पाई, ये थ्री पाई बाय टू. पहले क्या कर दो, ग्राफ ड्रॉ कर दो, फिर पॉइंट लगाओ. ठीक है, सो साइन जीरो ऑलवेज जीरो, तो वहां से आपका ग्राफ स्टार्ट होगा. अब देखिए यहाँ पे जीरो पे अप हुआ, वन पे गया, वापस बैक आया, पाई पे, थ्री पाई बाई टू पे फिर से नीचे गया, टू पाई. अब टू पाई से क्या हो रहा है, जैसे ही मैं टू पाई से आगे बढ़ूंगी यहाँ पे क्या होगा, ये सेम कर्व कहाँ पे आएगा, फोर पाई पे आएगा. आगे पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, अगर मैं उल्टा जाऊं तो देखिए ये जो ग्राफ है सेम रिपीट कहाँ हो रहा है, यहाँ पे. तो मतलब जो आपका साइन का ग्राफ है ना वो ऐसे ही जाएगा. आप कहीं से भी स्टार्ट कर दो, रिपीट कहाँ पे हो रहा है, ये जो यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन है ना वहां पे रिपीट हो रहा है, फिर से यहाँ से यहाँ में फिर से रिपीट होगा. सो इट इज समथिंग लाइक पेंडुलम. पेंडुलम पता है ना, यस ऑफ कोर्स, हमने सम किया 3.1 में, हमने एक सम किया. पेंडुलम क्या करता है गाइस, पेंडुलम क्या करता है, ऑसिलेशन, क्या करता है, यस बेटा, आई कैन नॉट हियर यू प्रॉपरली, क्या बेटा फिर से बोलो, ऑसिलेशन करता है, ऑसिलेशन. ओके, तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ इन अ सिंपल लैंग्वेज, अगर फिजिक्स की लैंग्वेज मुझे यूज नहीं करनी या फिर साइंस की लैंग्वेज मुझे यूज नहीं करनी, तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि इट रिपीट्स ऑन अ सेम पाथ. क्या करता है, उसका जो पाथ है उसको गिवन है कि भाई आपको इसी में आपको रोटेशन करना है, सो इट रिपीट्स ऑन अ सेम पाथ, तो उसको बोलते हैं आप लोग पीरियड. जिस पीरियड में वो वन रोटेशन कंप्लीट करेगा, जिस टाइम में वो वन रोटेशन कंप्लीट करेगा, दैट इज यू कॉल्ड पीरियड. तो यहाँ पे पीरियड क्या होगा, ग्राफ कहाँ से कहाँ में रिपीट हो रहा है, देखिए जीरो टू टू पाई में रिपीट हो रहा है, फिर से सेम ग्राफ आएगा, फिर से अगर ड्रॉ करो सेम ग्राफ आएगा. तो मतलब इसका पीरियड है, आप पीरियड बोल सकते हो, बहुत सारे पीरियड में आपके सारे आएंगे, लाइक माइनस सिक्स पाई, माइनस फोर पाई, माइनस टू पाई, जीरो टू पाई, बहुत सारे, क्योंकि टू पाई इंटरवल में वो रिपीट कर रहा है. लेकिन मेन जो पीरियड है, मेन पीरियड इज योर पॉजिटिव, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर. फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है, दैट इज टू पाई, सॉरी इंटीजर नहीं, फर्स्ट पॉजिटिव रियल नंबर, सो दैट इज योर टू पाई. तो मतलब पीरियड आएगा आपका, हम अब से क्या बोलेंगे, पीरियड ऑफ साइन का साइन इज टू पाई. ओके, क्योंकि ग्राफ रोटेशन कर रहा है वैसे ही. यस बेटा, थ्री पाई, फाइव पाई वो सब नहीं आएंगे, नहीं बेटा, यहाँ से मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, अगर मैं जीरो से स्टार्ट कर रही हूँ तो वो वन रोटेशन आपका जो वेव होता है ना, वो फर्स्ट वेव कंप्लीट कहाँ पे हो रहा है, टू पाई पे. सपोज मैं एक थ्रेड पकड़ लूँ और उसको ऐसे हिलाऊं एकदम जोर से, तो जो वेव कंटिन्यू होंगे उसमें आपको सिर्फ फर्स्ट वेव देखना है, वो फर्स्ट वेव कितने इंटरवल में कंप्लीट हो रहा है, दैट इज जीरो टू टू पाई, मतलब लेंथ कितनी होगी, टू पाई. ओके, फिर 4 पाई, 5 पाई, सॉरी 4 पाई, 6 पाई, ऑल दैट पाई आर पॉसिबल. जैसे ही मैंने एक्सप्लेन किया ना कि आपका जैसे फर्स्ट रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा ना, वैसे आपका वन वेव कंप्लीट होगा. फर्स्ट
फर्स्ट रोटेशन साइन और कॉस की जब बात करें तो फर्स्ट रोटेशन कंप्लीट होगा, वैसे ही आपका वन वेव कंप्लीट होगा, सो योर लेंथ इज 2π। फॉर साइन एंड कॉस बोथ, कॉस में भी मैं आपको दिखाऊंगी, लेंथ बोल रही हूँ, इंटरवल 0 to 2π नहीं बोल रही हूँ, पीरियड इज अ लेंथ, ओके। वो एक नंबर है, कैसा नंबर, लेंथ है, जहां पे आपका रिपीटेशन हो रहा है, ओके। चलिए, सो मेन पीरियड इज 2π। अब दूसरा एक चीज ऑब्जर्व करते हैं हम लिखेंगे बाद में, यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये 0 से 2π वाला जो है ना, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर सेकेंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे 3π से आपका हो जाएगा थर्ड, एंड यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन इज पॉसिबल। दूसरी चीज यहाँ पे मुझे क्या दिख रही है, देखिए ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब इट इज इंक्रीजिंग, है ना, एवरीवन कैन सी दिस फ्रॉम ग्राफ कि पॉजिटिव है, क्योंकि 0 से π के बीच में वैल्यू है y की, तो पॉजिटिव है, साथ में ग्राफ ऊपर जा रहा है तो मतलब इंक्रीजिंग, क्यों, क्योंकि 0 से वैल्यू 1 हो गई। अब यहाँ पे भी पॉजिटिव तो है, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे 1 से 0 हो गया, देखिए y की वैल्यू यहाँ पे 1 है, धीरे 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 करके 0 हो गई, सो इट इज डिक्रीजिंग हियर, इट इज डिक्रीजिंग हियर। अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे दोनों में वैल्यूज नेगेटिव है, मतलब साइन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। आपकी यहाँ से जितनी भी थियरीज है ना, सारी सब एक ही ग्राफ में हो रही है गाइज, आप चेक करोगे ना टेक्स्ट बुक में, तो वी आर डूइंग टूगेदर ऑलमोस्ट 6 pages, सारे हम यहीं से ऑब्जर्व कर रहे हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, 0 से 1 हुआ, ग्राफ देखो इंक्रीजिंग है, यहाँ पे देखो डिक्रीजिंग है, यहाँ पे फिर से ग्राफ क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, देखिए नीचे की ओर जा रहा है, यहाँ पे क्या हुआ, ये वैल्यू भले नेगेटिव है, वैल्यू भले नेगेटिव है, लेकिन क्या हो रहा है, ग्राफ आपका ऊपर की ओर जा रहा है, सो इट इज इंक्रीजिंग, ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग। गाइस इतना समझ में आया सबको, फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट साइन इज नेगेटिव। ये हम फिर से ऑब्जर्व करेंगे यूजिंग अवर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ऑल्सो, क्योंकि वो भी तो हमें साइंस देते हैं ना, एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन, वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन, तो वो भी हमें साइंस देंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक सबको क्लियर एकदम समझ में आया है, सेट ऑफ जीरोस, कहाँ पे साइन जीरो हो रहा है, देखिए -2π, -π, 0π, 2π, यहाँ पे आएगा 3π, तो मतलब सेट ऑफ जीरोस क्या होगा, जीरो कहाँ पे वैल्यूज आ रही है, देखिए यहाँ से तो मैं सिर्फ स्टार्ट कर रही हूँ, -2π, -π, 0π, 3π, 2π, 3π, मतलब पाई के जितने भी मल्टीपल्स है वो हर एक पे साइन की वैल्यू क्या हो रही है, 0, ठीक है। तो अगर इसको मुझे एपी के फॉर्म में लिखना है, क्यों भाई एपी के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि यहाँ पे एपी बन रही है, देखो ये डिफरेंस है आपका पाई, -2π से -π, -π से 0, 0 से 2π, 0 से पाई, पाई से 2π, तो डिफरेंस हो गया आपका कॉमन पाई, ठीक है। तो अगर मैं उसको एपी में लिखूंगी, यू कैन इजीली इट क्रिएट्स, देखिए ए इक्वल टू आप कुछ भी ले लीजिए, सपोज 0 ले लीजिए तो भी चलेगा, तो आपको क्या मिलेगा, सेट ऑफ जीरोस के पाई, क्या मिलेगा, के पाई वेयर के बिलोंग्स टू जेड, देखो मैं रख के दिखाती हूँ, 0 पुट करो, 0 जेड की वैल्यू लेनी है ना, तो 0 पुट करेंगे तो 0, 1 पुट करेंगे तो पाई, If I am putting k equal to 2, तो 2π, k equal to 3, तो 3π, अब z की वैल्यू है तो नेगेटिव में भी जाओ, put k equal to -1, तो -π, -2, तो -2π, ठीक है, so set of zeros क्या होगा sine का, kπ, क्या होगा, kπ, set of zeros of sine
दिस के पाई, सारी पाई की वैल्यू, सारे पाई के मल्टीपल्स पे साइन को प्रॉब्लम है, वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है, देखिए, है ना, जीरो हो जाता है, या तो नीचे गिरेगा या तो ऊपर जाएगा फटाफट से, लेकिन पाई के सारे मल्टीपल्स पे आपका साइन होगा जीरो। सो यू कैन ऑब्जर्व दिस, आपको अगर डिराइव करना है सो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, देखिए एन माइनस वन इक्वल टू के पुट कर दीजिए तो पाई हो गया। सो पाई के सारे मल्टीपल्स पे साइन जीरो होगा।